अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। सो अभी हमारी सुबह हुई है शाम के 7:45 और बहुत गाड़ियाँ पड़ने वाली हैं अभी हमें, क्योंकि इतनी देर से हम उठे हैं और अभी हम घर के कुछ काम भी करने थे आज, जो कि रह चुके हैं। अभी हमारी मुन्नी भी अब तैयार हो रही है, ये देखें जी हमारी मुन्नी, हमारा छोटा खरगोश, ये भी तैयार हो रहा है और इसके बाद फिर हम निकलेंगे अभी बाहर और चलें फ्रेश होकर फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम तैयार हो गए और अब हम चलेंगे दोस्त के पास, क्योंकि हमने जाना था घर के काम से कुछ और हमने अपने दोस्त को तैयार रखा बाहर, अब वो बेचारा हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा होगा, तो इसके लिए अब हम निकलते हैं बस घर से और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में बाहर। अच्छा जी, वेलकम टू व्लॉग अगेन। सो अब हम घर आ चुके हैं, काफ़ी देर से आए घर हम, सारे काम काज हो गए हैं, अब हम मज़ा जाएंगे बाहर वाइफ के साथ अपने कहीं घूमने फिरने। हमारी मुन्नी तो अभी सोई है तो इन्हें घर पे रखेंगे क्योंकि बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो अब देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है हमारी वाइफ के साथ और थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होगी कहीं बाहर अच्छे से किसी रेस्टोरेंट या जहाँ हमारी बेगम हमें बोलें, क्योंकि बाकी सबको पता ही होगा कि वीकेंड्स के ऊपर बेगम का रात चलता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो हम आ गए कैफे पिकांटे, ये है ऑटोबान पर और हमारी वाइफ के साथ। अभी हम लोग शुगल मेला होता है, डिनर एक अच्छा सा करते हैं या तो क्या रिफ्रेशमेंट होती है देखें, और फिर उसके बाद थोड़ी शॉपिंग में भी चलेंगे। जी तो हम आ गए हैं कैफे पिकांटे विथ अपनी वाइफ, अब फिलहाल तो मेन्यू चल रहा है, यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मेन्यू होगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे, वेटर को भी बताएंगे और फिर उसके बाद हमें शॉपिंग भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। बेगम फिर क्या कहती हैं जी, आप बताएं, हम कुछ भी बता दें, हमारी बेगम मुस्कुरा रही है लेकिन कुछ बता नहीं रही है हमें। हाँ जी बेगम, कहाँ जाने वाले हैं हम फिर इसके बाद? इसके बाद शॉपिंग होगी, हमारी बेगम जो कह रही है खर्चा करवा दें, लेकिन मतलब इसका मतलब हमारी बैंड बजने वाली है। अच्छा जी, आपको शॉपिंग पे क्या चाहिए थी? शॉपिंग पे जाके देखेंगे जो जो चाहिए वो। आपने सुन ही लिया, मैं बर्बाद होने वाला हूँ जैसे कि अभी हम एक रेस्टोरेंट में बर्बाद हो गए, अभी हम उसके बाद जाएंगे शॉपिंग में फिर बर्बाद होंगे। चले मेन्यू आ जाए तो फिर आपसे बात करते हैं, जब तक अपनी बेगम को पक देते हैं। अच्छा भैया, आ गया हमारा सूप, चिकन कॉर्न सूप, हमारी वाइफ का और हमारा, और हमारे एक और डिस्टिव का है, हमारे चिकन विंग्स नहीं आए अभी तक, क्योंकि हम खाना खा के निकले हुए थे, तो चलें फिलहाल तो हम ये सूप ट्राई करते हैं और हम आपको बताएंगे कि सूप किस तरह का है। चलें बेगम, ज़रा सूप को आप ट्राई करें। नॉट बैड, सूप अच्छा है, पर घर वाले सूप की अलग ही बात है, घर वाला सूप मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है बनस्बत बाहर के सूप से। हमारी बेगम भी अपने सूप के अंदर बहुत इतनी डाल दी है। लेकिन मैडम को हमारे ख़ातिर पसंद नहीं आया सूप। चले हम ये सूप पी के फिर आपसे बात करते हैं। जी मैं होके आ गया हूँ कैफे पिकांटे से, और मुझे फूड क्वालिटी यार कुछ अच्छी नहीं लगी वहाँ की ना, अगर किसी को आना हो कभी यहाँ पर तो प्लीज़ यहाँ पे लाएं, तो आप चलो आगे चलो आप तो यहाँ पे लाएं, क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत बेकार थी, मुझे मज़ा नहीं आया, स्पेशली सूप जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है यार सब जगह पर, लेकिन सूप का मज़ा नहीं आया। अच्छा जी,
अब हम आ गए दाऊद सुपरमार्ट और अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी शॉपिंग है। यहाँ से शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर कर और फिर हमें घर जाना है वापस। थोड़ी सी शॉपिंग होगी और फिर हम आपसे घर जाएंगे और देखते हैं हमारी बेगम हमारे क्या खर्चा करवाती हैं यहाँ पर। जी बेगम जी, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? नीचे से हमने स्टार्ट करना है। बलून्स लेने चले जी, 2 मिनट सबर करके और हम बैलून लेते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए बलून्स की साइड और ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बेटी की 2nd मंथ की ऐसे सेलिब्रेशन हम करेंगे, तो उसके लिए बस आपको तो पता ही आजकल तो ये सब मामलात हैं। अभी देखते हैं क्या क्या लेना है यहाँ से। वैसे तो आप दावत भी चले हैं आजकल, महंगाई तो सब जगह पर ही है, तो हम ये रोना तो कहीं डाल ही नहीं सकते कि महंगा है। और वैसे भी जितना भी महंगा हो बेगम ने तो छोड़ना नहीं है। अच्छा, अभी हमें कैप्स लेनी थी तो कैप्स ये भी हैं और ये भी हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं। कैप्स कौन सी लें हम? चलो कैप्स ऐसा करते हैं ये वाली ले लेते हैं। 3 कैप्स हम रेड में लेंगे। और 3 कैप्स हम ब्लू में ले लेते हैं। अबे निकल आओ निकल आओ। ये हमारी 6 कैप्स हो गई और हमारे घर में कितने बंदे हैं भाई टोटल। और पॉपर्स भी लेने, तो ये आ गए 2 पॉपर्स भी हमारे उठा गए। और इसके अलावा हमने क्या लेना है? हाँ, इसके अलावा हमने ये लेना है 2। ये आ गए स्प्रे और बैलून्स हैं। चले जल्दी से और कुछ लेके और आखिर में मिलते हैं आपसे, क्योंकि शॉपिंग में बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, तो आखिर में मिलते हैं। अभी तो हमने ये चीज़ें ले ली हैं अपनी। हाँ जी, शॉपिंग हमारी बैलून्स वगैरह इन सब चीज़ों की ख़त्म हो गई, सब कुछ ले लिया। अब वापसी घर और देखते हैं अब कहाँ चल रहे हैं हमने। अभी हम पहले तो जाएंगे दाऊदपुरी ऊपर। हाँ जी, हम आ गए हैं ऊपर दाऊदपुर और बहुत सी चीज़ें हैं लेने वाली। हाँ जी मैडम, क्या लेना है? लो जल्दी जल्दी, और मैडम हमारा खर्चा करवाएंगे अब, और ये सारा खर्चा हमारी जेब से जाएगा। देखते हैं क्या क्या लेती हैं हमारी बेगम। हम चलते रहेंगे पीछे पीछे और हमारी जेब खाली होती रहेगी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को और जल्दी जल्दी लेते हैं और हम आपको बताते हैं क्या क्या फिर हमने लिया। अच्छा जी, हमारी हो गई दाऊद से शॉपिंग कंप्लीट और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर और हमारी मुन्नी की जगह चली है घर पर। इस वजह से हमें जल्दी जल्दी निकलना है, पता चला है कॉल करके वो रोने लग गई है, नींद से उठी है, तो इस वजह से अब हमें जल्दी जल्दी भागते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे घर जाकर और फिर घर पे आके करेंगे इस ब्लॉग का एंड। तो आ गए भाई हम घर आज फिर से और हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड हम करते हैं। आज हमने फिर से काफ़ी इन्जॉय किया और हम आज दोस्त होंगे अपनी वाइफ के साथ, घर के दूसरे काम काज भी किए और इसके साथ अब आज हम फारिग हो चुके हैं। अब कल मंडे स्टार्ट हो जाएगा और मंडे मतलब के फिर से ऑफिस डेज, तो मतलब कि हमने फिर से काम पे लगना है। इंशाल्लाह कल हमारी रूटीन फिर स्टार्ट होगी 9 बजे से, फिर से वही जॉब स्टार्ट करके और फिर वही शाम तक हम बैठे होंगे, पर व्लॉग भी ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।